हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूँ क्लास 12 सिविक्स का एक और बहुत ही फ्रेश वीडियो। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने न्यायपालिका की बात करी थी, इस वाले वीडियो में हम कार्यपालिका की बात करेंगे। पिछले वाले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको शुरुआत से लेकर के आखिरी तक सभी वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए मेहमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी नए मेहमान आए हैं हमारे इस वीडियो पर, वो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो चैप्टर का है हमारा ये पार्ट है, पार्ट का नाम है कार्यपालिका। तो बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक पत्र होता है या फिर पद होता है। भारत में कार्यपालिका का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है तो वो होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, भारत में केवल एक ही ऐसा पद है जो सर्वोच्च कार्यपालिका का संवैधानिक पद होता है। ये प्रश्न 2018 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, तो एकदम रट लीजिएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो का वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यपालिका का कार्यकाल किस सरकार में निश्चित होता है? ठीक है, तो वो होता है अध्यक्षात्मक सरकार में। ठीक है दोस्तों, अध्यक्षात्मक सरकार में निश्चित होता है, तो खा वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। दोस्तों, 2012, 10 और 18 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 10 शब्द लिखने रहते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रदत्त व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? ये प्रश्न 2018 की बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। तो वर्तमान समय में कानून निर्माण का यह कार्य बहुत अधिक बढ़ गया है और इस कार्य के जटिल हो जाने के कारण व्यवस्थापिका द्वारा अपनी ही इच्छा से कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका के विभिन्न विभागों को सौंप दी जाती है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। इसके कारण व्यवस्थापिका की शक्तियों में कभी तथा कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है। यानी कि सीधे से आप कह सकते हो व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हो जाती है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, 2018 की यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की शासन प्रणाली में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है? ठीक है, या किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है? 2017, 12 और 18 में पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो गया संस्थात्मक शासन प्रणाली में, तो वो उसका केवल यही आंसर आपको छोटा सा लिख देना है। क्वेश्चन आपका दो प्रकार से पूछा गया है, एक में या लगा हुआ है, यानी कि दोनों प्रकार से पूछा यह जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्न आपको लिखना है 100 से लेकर के 125 शब्दों में, इनसे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, उत्तर यानी कि प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न रूपों प्रकारों की विवेचना कीजिए। 2010, 14, 16, 18 एंड 18 में लगातार 2018 के अलग अलग सेट में पूछा गया होगा, या कार्यपालिका क्या है। ठीक है, तो इतना सा आपको क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन तो मैंने आपको बड़ा दे दिया है, मगर आपको ये पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं याद करना है। ये जितनी हेडिंग है, ये देखिए, आप यहाँ से याद करना शुरू होना, मैं आपको बता देता हूँ। कार्यपालिका सरकार का दूसरा प्रमुख अंग है, यहाँ से आप याद करना शुरू करना और मात्र केवल इसकी दो हेडिंग तक लिख डालना। ठीक है, मैंने आपको हेडिंग ज़्यादा इसलिए दे रखी हैं क्योंकि आपको जो हेडिंग सरल लगे आप उस हेडिंग को याद कर सकते हो। ठीक है, केवल आपको इसकी दो हेडिंग लिखनी है। ठीक है, केवल आपको दो हेडिंग यहाँ पे उत्तर में लिखनी है, केवल इतना ही उत्तर आपको इसका लिखना है। दोस्तों, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इसके दूसरे प्रश्न का भी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसका पीडीएफ दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, मेरी वेबसाइट पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप मेरी वेबसाइट पे जाने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जा करके आप तुरंत पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों से, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।